तो बहुत निकले आई है। क्या मौसम होता है जी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं जा रहा हूँ डेरे पर। और ये देख लें जी, ये गांव वालों की लैंड क्रूजर इस तरह की होती है। डेरे पर जा रहा हूँ, मैंने आज लगानी है जुबारी, क्योंकि मेरा बाजरा नहीं हुआ था और मुझे वहाँ पर 25,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो मैंने सोचा जो जगह खाली पड़ी है ना, वहाँ पर जो है ना वो लगा देते हैं थोड़ी सी गवारी, ताकि कुछ खा भी लेंगे और कुछ जो है ना वो बीज बना देंगे। तो अभी सूरज देख रहे हैं आप, अपने अकब से बिल्कुल जो है वो निकल चुका है और ये लोग जो है सारे काम करने के लिए आए हुए हैं। तो ये सुबह के गांव के मनाजर होते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, परिंदे जो हैं ये देखें जी किस तरह बैठे हुए हैं सड़कों पर। तो अभी सबसे पहले जाते हैं हम डेरे पर और वहाँ पर पीते हैं चाय और साथ खाते हैं केक। ये पड़े हैं जी चाय वाले कप, एक और दो और एक, तीन लोग हैं, तीन कप था। इसको नस्कर पे लेके जाओ। ओह माय गॉड, बच गया बच गया बच गया बच गया। ये लेके जाते हैं अब नलके के पास और वहाँ पर इसको धोते हैं। चल नलका गेट ग्लास तो कप लाइनों में रख दिए हैं और चाय डालना शुरू कर दिया है कप के अंदर। कप भी माशाल्लाह बड़े बड़े हैं और फुल कप भर कर जो है ना वो पियेंगे और फिर जो है ना चाय पी कर करेंगे काम और आपके साथ भी सारी रूटीन जो है ना वो शेयर करेंगे। एक कप रह गया है, इसको भी भर लेते हैं। माशाल्लाह से चाय आए, हाय हाय हो गई। चाय के साथ केक खाने का अपना ही मज़ा है। आज खाएंगे हम दो दो केक। बीज मैंने निकाल लिया, इसको लेकर जा रहे हैं अब जहाँ पर हमने इसको काश करना है। थोड़ा सा रकबा ये देख रहे हैं, अबू जान जा रहे हैं और साथ में मुलाजम साहब को बुलाया है आज, तो थोड़ा काम करवाएं मेरे साथ। और इस वाले क्यारे में हमने आज गवारा लगाना है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीज मैंने ले लिया और इसको स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बीज डालते जाएंगे ताकि बीज ख़त्म ना हो और अच्छे से जो है वो हमारी इसी के अंदर फील हो जाए। ये वाली जो एक कनाल थी ना, यही हमने सोचा कि इसी को काश कर लेते, क्योंकि पानी हमारे नहरी जो है ना वो बहुत थोड़ा है। तो अभी ये बदर हुसैन साहब जो है ना ये तरफाली लगा रहे हैं और मैं पीछे पीछे ये गवारे का जो बीज है ना ये इस वाली खेली के अंदर जो है वो डालता जा रहा हूँ और साथ साथ पाँव से जो है ना वो मिट्टी भी डालता जाता हूँ। ये हमारा जो है ना हमारा देसी जुगाड़ है जी, और हम इसी तरह ही गांव में अगर हमारी कोई फसल ना हो ना तो दूसरी फसल हम जो है ना वो इसी तरीके से काश करते हैं ताकि जो नई काश के पैसे जो है ना वो बच जाए। लाया 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 खेती कर, तो बहुत निकले आई है। जान दे जान दे जान दे, लई जा लई जा लई जा, सजे हाथ रख थोड़ा जा दे, सजे हाथ जान दे जान दे जान दे, खबे हाथ काला थोड़ा आ जा, चल चल मोड़ लिया वापस ले आ। बीज ख़त्म हो गया और एक एकड़ के लिए जो होता है 2 किलो बीज, मैंने जो है ना वो एक कनाल में ही जो है वो आधा किलो बीज खपा दिया है। तो अभी ये देखिए, अभी आधी कनाल भी नहीं हुई और मैंने बीज जो है ना वो 1 किलो जो है वो खपा दिया। तो अभी आधा किलो और आधा किलो जो बीज बचा है ना, अब हम वो लेने जा रहा हूँ और फिर उसको जो है ना वो बड़े एहतियात से बड़ी केयर के साथ जो है ना उसको मैं यूज़ करूँगा ताकि बीज ख़त्म ना हो और हमारी जगह जो है ना वो पूरी पूरी आ जाए। तो अभी वो चारपाई पे जो है ना वो बीज पड़ा हुआ है, तो अभी चारपाई के पास जाता हूँ और देखते हैं कि कितना का बीज है हमारे पास मौजूद इस टाइम, कहीं घर से और ना लेके आना पड़े। वैसे और है भी नहीं, मुश्किल से ही मिलेगा घर से। और ये भी देख लें, ये भी थोड़ा सा ही है,
इसको देखते हैं। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा बीज जो है ना वो मेरे पास अभी मौजूद है। अब आई थिंक अच्छे से जो है ना वो सारा जो एक कनाल का एरिया है ना वो सारा अच्छे से फिल हो जाएगा। तो सुबह अब धूप निकल आई है और धूप सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। अभी देख लें आप के 6 बज गए हैं और पसीना बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे आया हुआ है क्योंकि हम काम कर रहे थे दस्ती तरीके से। ये देखें वो साहब बैठे हुए हैं, वो दस्ती तरीके से जो है ना वो मशीन चला रहे हैं हाथ वाली, और मैं जो है वो पीछे पीछे बीज जो है ना वो लेके जा रहा हूँ उसके पास। तो अभी थोड़ी ही देर में जो है वो हमारा यहाँ से काम हो जाएगा ख़त्म। हाँ जी गाइस, फाइनली हमारा जो है ना वो गवारा क्रॉस हो गया, बीज भी ख़त्म हो गया और जगह भी ख़त्म हो गई। तो अभी हम जो है वो करने लगे हैं सब्ज़ी की गोडी और अमरूदों वगैरह की गोडी कर लेते हैं ताकि शाम को लगना है नहरी पानी, तो उसकी गोडी जो है ना वो ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पौधों की और सब्जियों की गोडी किस तरह करते हैं। हाँ जी, ये वाले हैं जी गोडी करने वाले औजार, इसको बोलते हैं तरांती, और ये हरम्बी, इसकी मदद से जो है वो करते हैं हम सब्जी की गोडी, ये तरफाली इसको बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सब्जी वाली खेलियों में, ये वाली सब्जी की खेलिंग है, देखने किस कदर जड़ी बूटियाँ घास फूस वगैरह इसके अंदर उगा हुआ है, तो अब इसकी जो है वो सफाई करते हैं। गवारा भी अपना हो गया। हाँ ठीक है जी, राती लाली ने गां सजी सुई हुई है। यार हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हवा की वजह से जो है ना ये देखें ये दरख्तों के छापे जो है ना ये टूट गए हैं। उस वाली नीम का जो था ना ये छापा काफ़ी दिनों से जो है ना ये वहाँ पे लटका हुआ था, थोड़ा सा टूटा हुआ था और थोड़ा सा रहता था। तो अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आप लोग देख रहे हैं, और ये वाला जो टूट कर वहाँ पर गिर गया था उधर से उठा के मैं ये ले आया हूँ, और एक पहले टूटा हुआ था ये, और फिर एक वो, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है ना ये निमोलिंगा इसको बोलते हैं, ये नमोलियाँ लगी हुई हैं, तो इस वजह से जो है ना ये वज़न इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये खाने वाली होती हैं, अभी ये देखें मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ये देखें नमोली, गर्मियों के अंदर जब आप इसको ना 5-6 पीस इसके खा लोगे ना, तो ये आपके जो गर्मी के दाने, गर्मी वगैरह के निकल आते हैं, ख़ारिश वगैरह आती है, तो वो बिल्कुल जो है ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हर गर्मियों के अंदर ये नमोलियाँ यहाँ पर लगती हैं और हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, और हमारे गर्मी के दाने वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नहीं निकलते। तो इसलिए जो शहर में लोग रहते हैं उनको अगर गर्मी दाने वगैरह हो जाएं तो ये नमोरियाँ वगैरह जो होती हैं ना ये आम रोटी मिल जाती हैं, तो ये आप लोग जो है ना वो खा लें और आपके गर्मी दाने वगैरह जो है ना वो सही हो जाते हैं। अभी ये तो अभी गीला है, ये वाला जो खुश्क छापा है ना इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं और कुल्हाड़े की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर घर ले जाएंगे, वहाँ पे चूल्हे में जलाएंगे इसको। आज देख ले मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का मौसम जो होता है ना वो गांव वालों के लिए बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा मौसम होता है। अभी ये देख लें मेरे अनार, तो अभी माशाल्लाह से जो है ना देख लें अभी थोड़े थोड़े अनार लगे हुए हैं लेकिन कच्चे हैं, और कच्चे ही इतने मीठे और इतने रसीले हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। दिलावर अली को दीजिए इजाज़त, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।